हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे आप देख पा रहे होगे, ये डिजायर है हमारे पास, 2022 वाला मॉडल गाड़ी है ये, और ये 19,762 किलोमीटर की गाड़ी चल गई है। तो इसका जो पीएमएस होने वाला है हमारे पास, इसका 20 का पीएमएस इसका होएगा। तो पीरियडिक मेंटेनेंस सर्विस जिसको बोलते हैं, तो देखते हैं अभी 20,000 वाली सर्विस इसकी होने वाली है। तो इसमें क्या क्या चेंज होएगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ अभी। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर इंजन ऑयल रिप्लेस होएगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होएगा, एयर फिल्टर की कंडीशन चेक होएगी, अगर कंडीशन ख़राब होगी तो एयर फिल्टर भी चेंज होएगा, एसी फिल्टर की कंडीशन चेक होएगी, अगर एसी फिल्टर की कंडीशन ख़राब होगी तो वो भी चेंज होएगा। और इसके अलावा कूलेंट हमारा चेंज होएगा, ब्रेक ऑयल हमारा चेंज होएगा, ब्रेक की असेंबली ग्रीसिंग होएगी, ब्रेक पैड हमारे चेक होंगे, ब्रेक शू साफ वाफ होकर के हमारे सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है, सभी कुछ इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। और जी बाकी हम पूरी गाड़ी का जनरल चेक हम मारेंगे, अंडर बॉडी के नट बोल्ट वगैरह हम ये सारे चेक करेंगे, जो जो कमी इसके अंदर होगी वो हम पूरी इसकी कमी को चेक करने के बाद उसको हम सुधारने का काम करेंगे। तो फिल्टर की कंडीशन चेक करने वाला हूँ जी। तो हमारा एसी के फिल्टर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ये पूरा ब्लॉक हो रखा है यहाँ पे। तो ये चेंज होने की कंडीशन है इसकी, तो हमें एसी का फिल्टर हम चेंज करेंगे, एयर फिल्टर की कंडीशन हम चेक करेंगे इसी तरीके से, अगर एयर फिल्टर खराब होगा तो हमारा वो भी हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए एक एक चीज हम इसकी चेंज करेंगे, मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाते रहूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। मैं भी इंजन कंपार्टमेंट में आ गया है, तो चलिए मैं भी आपको एयर फिल्टर की कंडीशन यहाँ पे चेक कराता हूँ, किस कंडीशन में है हमारा एयर फिल्टर, रिप्लेस होने की है या हमारा क्लीन होकर के काम चल जाएगा। तो भाई जैसे आप देख पा रहे हो, ये एयर फिल्टर की कंडीशन है यहाँ पे, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई है। तो चलिए हम इसको भी हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड से क्लीन है और नीचे की साइड से पूरे धूल के अंदर भरा हुआ है। तो चलिए हम एयर फिल्टर को भी रिप्लेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे इंजन ऑयल खुल रहा है हमारा, ये हमारा इंजन ऑयल यहाँ पे खुल चुका है। तो चलिए अभी हम ऑयल फिल्टर खोलते हैं, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा यहाँ पे इंजन ऑयल खुल चुका है और ऑयल फिल्टर भी हमारा खुल चुका है। तो चलिए अभी हम नया ऑयल फिल्टर लगाते हैं और नया ड्रेन पर हम इसका लगाएंगे। नया एयर फिल्टर हमने यहाँ पे ले लिया है, तो चलिए अभी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। हमारा पुराना एयर फिल्टर वहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारा नया एयर फिल्टर है। तो चलिए एयर फिल्टर असेंबली के अंदर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे ही देख पा रहे हो आप, अभी हमने नया एयर फिल्टर इसका लगा दिया है, चलो इसके अंदर डाल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हमारे पास एक स्टार का यहाँ पे स्क्रीन वॉश है, कूलेंट है, और ब्रेक ऑयल भी हमारे पास यही है। तो चलिए अभी हम कूलेंट इसके अंदर डालते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कूलेंट डाल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे कूलेंट इसका नया डाल दिया है, पुराना कूलेंट हमने इसका निकाल दिया था। इसी तरीके से हमारे ब्रेक ऑयल यहाँ से डलेगा और निकलेगा यहाँ पे ब्रेक कैलिपर के पास से, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये ब्लीडर पर लगे, यहाँ से हमारा ब्रेक ऑयल निकलेगा। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। ये यहाँ पे स्क्रीन वॉश डल रहा है, जो कि विंडशील्ड को साफ करने का काम करता है अच्छे तरीके से। चलिए अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे, फिल्टर का पानी हम इसके अंदर डालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे वाइपर की बोतल के अंदर भी, क्योंकि खारा पानी इसके अंदर डालेंगे तो हम इसके अंदर जंग लग जाएगा, मोटर जाम होने के चांसेस रहते हैं, पाइपलाइन जाम होने के चांसेस रहते हैं, और जी जो वाइपर की नोजल होती है ये भी जाम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें सब डिस्टिल वाटर इसके अंदर यूज करना चाहिए। अभी हम यहाँ बैटरी का पानी चेक करेंगे, बैटरी के पानी की कंडीशन क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर बैटरी का पानी पूरे लेवल तक है, बैटरी का पानी टॉपअप नहीं करेंगे। बाकी हम इसके ब्रेक क्लीन करेंगे, और ब्रेक क्लीन करने बाद हम ब्रेक की ब्लीडिंग करेंगे, जिससे कि ब्रेक ऑयल हमारा बाहर आएगा ब्लीडर क्लच के पास से, हमारा यहाँ से ब्रेक ऑयल जो है वो निकलेगा, ऊपर से हमारा ब्रेक ऑयल डलेगा।
तो चलिए आप देखते रहिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चलेगा ब्रेक ऑयल निकलने का। यहाँ पर मैंने एक बोतल रख लिया जिससे कि ब्रेक ऑयल वेस्ट ना हो। तो अभी हम ब्रेक ऑयल यहाँ से निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमने पूरा ब्रेक ऑयल यहाँ पे चेंज कर दिया है, नया ब्रेक ऑयल इसके अंदर हमने फिल कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो पहले के ब्रेक ऑयल की कंडीशन कैसी थी और अब के ब्रेक ऑयल की कंडीशन बिल्कुल साफ है यहाँ पे। तो इसी ये प्रोसेस था ब्रेक ऑयल चेंज करने का, जैसे आपने देखा होगा वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे ब्रेक क्लीन करेंगे इसके, तो चलिए ड्रम हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन है हमारे ब्रेक शू की, तो अभी हम इसको क्लीन करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे जो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हमने इंजन ऑयल चेंज किया है, ऑयल फिल्टर हमने चेंज किया है, एयर फिल्टर चेंज किया है, एसी फिल्टर हमने चेंज किया है, कूलेंट हमने चेंज किया है, ब्रेक ऑयल हमने चेंज किया है और हमने सारे ब्रेक क्लीन करे हैं, ग्रीसिंग कर दी है उसकी। और जी यहाँ पे हमने टायर भी रोटेशन कर दिए हैं इसके, क्योंकि जो घिसे हुए टायर थे पीछे लगा दिया है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव हमारी ये गाड़ी है इसलिए सही कंडीशन के टायर फ्रंट में होने जरूरी है। तो ये भी हमें इसके अंदर ध्यान रखना है। तो हमारा पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है सर्विस होने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी।